भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई नितिन गडकरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री स्नेही भाई मुरलीधर राव जी, मछुआरा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक भाई प्रकाश मालगवे जी, मंच पर आसीन मेरे अन्य वरिष्ठ साथीगण और इस सभागार में उपस्थित मेरे बहुत ही स्नेही मछुआरा भाइयों और बहनों, आज मेरे सामने उस कौम के लोग बैठे हैं जिनके प्रतिनिधि के रूप में निषादराज केवट ने भगवान राम को भी सरयू पार कराई थी। और जब प्रभु उतराई की दक्षिणा देने लगे थे तो कहा था कि समान ढंग वाले लोग एक दूसरे से पैसा नहीं लेते। जब भगवान राम ने आश्चर्यचकित होकर निषादराज की तरफ देखा तो निषादराज केवट ने कहा, आप हैरान क्यों हो रहे हैं, हम एक ही धंधा तो करते हैं, मैं नदी पार कराता हूं, आप भवसागर पार कराते हैं और इसलिए मैं कोई पैसा आपसे नहीं लूंगा। तो हर्षित होकर मां सीता ने अपनी अंगूठी उन्हें दी थी। एक तरफ निषादराज केवट और दूसरी तरफ बॉलीवुड का मांझी, वो भी इसी कौम का प्रतिनिधि है। हैया हो हैया करते हुए 50% फिल्मों में ये मांझी विख्यात हो चुका है। लेकिन दुख की बात यह है मित्रों, कष्ट की बात यह है, पीड़ा की बात यह है कि निषादराज केवट से लेकर मांझी तक ख्याति प्राप्त किया हुआ इस कौम का मछुआरा आज इस शासन में उपेक्षा की जिंदगी जी रहा है, गुमनामी के अंधेरे में जी रहा है। क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शासन ने कभी इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अपने स्तर पर जो कमा ले सो खा ले, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, उसका आवास सरकार की आंखों से ओझल रहे। मैं बधाई देना चाहती हूं नितिन गडकरी जी को, अभिनंदन करना चाहती हूं उनका कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पहली दृष्टि जो उन्होंने दी वो थी अछूते वर्गों को छुओ। और उन अछूते वर्गों को जब चिन्हित किया तो उसमें मछुआरे और बुनकर सबसे अग्रणी आए। और उससे भी ज्यादा बधाई देना चाहती हूं कि इन दोनों वर्गों को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए उन्होंने जिस व्यक्ति को यह काम सौंपा, भाई मुरलीधर राव को, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने आप को उसमें झोंक देते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक बनाया प्रकाश मालगवे को, जिसने पूरे हिंदुस्तान में एक एक प्रदेश में घूम घूम कर समस्याओं का अध्ययन किया, उनको चिन्हित किया, उनको सूचीबद्ध किया। वरना ऐसे भी हैं प्रकोष्ठों के संयोजक जो बड़े बड़े अक्षरों में राष्ट्रीय संयोजक करके एक कार्ड छपा लेते हैं और सफ़ेद कुर्ता पजामा ताज़ा कलफ लगा के पहन के, काली जैकेट पहन के, और कहते हैं हम संयोजक बन गए हैं, रस्म निभाई जाती। लेकिन गांव गांव घूमने वाले, देश देश, प्रदेश प्रदेश घूमने वाले इस प्रकाश मालगवे ने जो नीति पत्र तैयार किया उसमें देखकर आपको हैरानी होगी कि हर प्रदेश में मछुआरों को किस नाम से बुलाया जाता है, इसका भी वर्णन किया है कि कितने नामों से बुलाया जाता है। वो सब मछुआरे हैं। मैं हैरान, मुझे लगता था हरियाणा में झीमर शब्द तो भूल गए होंगे, लेकिन जब मैंने वो पढ़ा तो हरियाणा में झीमर शब्द भी उसमें दिखा, एक भी शब्द अछूता नहीं रहा। लगभग 7,500 किलोमीटर का हमारा समुद्री तट, अनेक नदियां, तालाब, खारे पानी में मछली पालन करने वाले, मछली का व्यवसाय करने वाले इन मछुआरों की समस्याएं अलग हैं। जो समुद्री तट पर रहने वाले हैं उनकी समस्याएं नदियों के मछुआरों से मेल नहीं खाती। जो केवल तालाबों में मछली पालन का काम कर रहे हैं उनकी समस्याएं नदियों से मेल नहीं खाती। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि सबका अध्ययन अलग अलग किया जाए
और उनके समाधान भी अलग अलग खोजे जाए, आप देखेंगे कि इस नीति पत्र में हर तरह की मछली पालन करने वाले महिला की भी और पुरुष की भी अलग समस्या का अध्ययन किया गया है और उसका निराकरण क्या हो सकता है ये भी सुझाया गया है। अभी प्रकाश मालगवे कह रहे थे कि मछुआरा प्रकोष्ठ ने केवट तैयार नहीं किया, आज भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार भी कर रही है। मैं एक कदम आगे जाकर कहती हूँ प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी आज इसे स्वीकार कर रही है और आने वाली एनडीए की सरकार इसको लागू करेगी, ये हमारा आपको वचन। ये नीति पत्र हमारे लिए मसौदा है। आमतौर पर जब सरकारें आ जाती हैं उसके बाद इस तरह के काम शुरू होते हैं और दो वर्ष का समय कार्यकाल अध्ययन में बीत जाता है, दो वर्ष नीति बनाने में बीत जाते हैं, इतने में सरकार से जाने का टाइम आ जाता है। ये नितिन जी की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने पहले अध्ययन करवाया, नीति पत्र तैयार हो गया। इसी तरह से बुनकरों के बारे में एक एक प्रदेश में जाकर अध्ययन की अलग अलग टीम बनी, स्टडी टीम्स, हर जगह के बुनकर की अलग समस्या का अध्ययन करके लाए, उनका भी नीति पत्र तैयार हो गया। अब तो यह है कि शासन में आओ और अगले दिन से नीतियां लागू करनी शुरू कर दो बिना समय गवाए, बिना समय गवाए। ये मछुआरा, ये वो काम है मित्रों जहां महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं। ज्यादातर मछली पकड़ने का काम पुरुष करते हैं और मछली बेचने का काम महिलाएं करती हैं। जहां प्रोसेसिंग यूनिट्स लगी हैं वहां महिलाएं अंदर काम करती हैं, पर कुछ जगह की महिलाएं मछली पकड़ने का भी काम करती हैं। लेकिन हम लोगों ने इनकी सारी समस्याओं का अध्ययन करके, जैसा कहा अभी मुरलीधर राव जी ने, कि ना ऋण की व्यवस्था है, ना आवास की व्यवस्था है, ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। समुद्री तट पर रहते हुए बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन कोई चिकित्सा सुविधा नहीं। मकान जो बनाते थे उसके लिए CRZ के संशोधन आ गए जिन्होंने इनके लिए और परेशानियां खड़ी की हैं। एक ऐसा बिल लेकर आ गए, 23 बार संशोधन करना पड़ा है उस बिल में, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आज भी वो परिपूर्ण नहीं है। आज भी उसमें इस तरह की चीजें हैं जिनको आगे संशोधित करके इनके अनुकूल बनाना जरूरी है। जहां तक महिलाओं का सवाल है, प्रसूति और प्रसव जो कि जिंदगी के साथ उनकी शरीर रचना से बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसकी भी व्यवस्था नहीं। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि अच्छे वातावरण में इन लोगों के आवास बने, अच्छे वातावरण में उन आवासों के साथ स्कूलों की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, ताकि ये भी कह सकें हम सभ्य नागरिक हैं और इस सभ्य देश के अंदर सभ्यता से जिंदगी जी सकते हैं। हमने पहली बार किसी नीति पत्र में ये आया है कि जो समुद्र के तटरक्षक बल हैं, समुद्र की सीमाओं को सुरक्षा करने वाली जितनी फोर्सेस हैं उनमें मछुआरों के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए और मछुआरों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए और इससे दोनों को लाभ होगा। जहां मछुआरों को नौकरी और रोजगार मिलेगा वहां आपका तटरक्षक बल भी पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ मछुआरों का एक नाम होना चाहिए समुद्र मित्र। ये सी फ्रेंडली है, समुद्र के दोस्त हैं। सुनामी से ज्यादा भयंकर आपदा तो समुद्र में नहीं आ सकती। उस आपदा के बाद आई हुई विपत्ति को मैंने अपनी आंख से देखा है। मैं होम कमेटी की चेयरपर्सन थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स की, और उसके नाते से अंडमान भी गई थी और पुदुचेरी भी गई थी। जिस समय वो वापस नावें लेके जा रहे थे तो मैंने पूछा, पूरी की पूरी महिला और पुरुष समुद्र के आकर के बैठे थे मेरे पास, तो मैंने कहा इतने बड़े तूफान के बाद, इतना बड़े विध्वंस के बाद आपको डर नहीं लगता? तो उन्होंने कहा, मैडम अगर समुद्र से डरेंगे तो खाएंगे क्या? हमारी तो जिंदगी भी यही है और मृत्यु भी यही है, इसलिए हम तो समुद्र मित्र हैं। ठीक है सुनामी आया और चला गया,
लेकिन इस पापी पेट की खातिर तो अगले दिन नावे लेकर समुद्र में जाना ही है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि समुद्र की सुरक्षा की सारी फोर्सेस जितने ज्यादा अच्छे तरीके से मछुआरे मैनेज कर सकते हैं, बाहर का आया हुआ कोई दूसरा नौजवान मैनेज नहीं कर सकता। हमने उसका, वो बलिष्ठ है, उन्हें समुद्र से भय नहीं लगता। और कितने कोस्टल गार्ड जैसी कितनी फोर्सेस हैं जिनमें इनके लिए नौकरी के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है शिक्षा। अगर आप वैसे किसी से कहें कोई मछुआरा है तो लोग कहते हैं अच्छा पढ़ा लिखा तो होगा ही नहीं, एक धारणा बनी हुई है, पढ़ा लिखा तो होगा ही नहीं। अरे तुम पढ़ाई लिखाई के लिए अगर बंदोबस्त नहीं करोगे 50 साल तक तो कहाँ से पढ़ेगा लिखेगा, पहले बंदोबस्त करोगे तो पढ़ेगा लिखेगा ना। तो तुम प्रबंध करो, उन्हें शिक्षित करो, उसके बाद उन्हें रोजगार देने का काम करो। लेकिन इसके साथ साथ एक और समस्या जिसका जिक्र थोड़े में अभी भाई मुरलीधर राव जी ने किया कि खास तौर पे हमारे वो समुद्र जिनकी सीमाएं विदेश से लगती हैं, पाकिस्तान से लगती हैं, श्रीलंका से लगती हैं, वहाँ के मछुआरों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके वहाँ चले जाते हैं। कई बार मेरी इन दोनों राज्यों के राजनयिकों से बात हुई तो वो कहते हैं कि मछुआरा तो केवल पानी जानता है, वो पानी की बाउंड्री थोड़ी जानता है, उसे नहीं पता कि कब वो पानी की सीमा लांघ गया। लेकिन इस अनजाने में किए गए अपराध के लिए वो सालों साल जेल में पड़ा रहता है और बहुत बार मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह आंकड़ा सही था जो मुरलीधर राव दे रहे थे, करीब 600 लोग तमिलनाडु के मछुआरे श्रीलंका नेवी के द्वारा मार दिए गए थे। इसीलिए हम लोगों ने संसद में यह आवाज उठाई कि हम एक भी भारतीय मछुआरे को मरने नहीं देंगे, ये स्वीकार नहीं है। उनके हाई कमिश्नर से बात की, उनके राष्ट्रपति से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको स्वीकार करते हैं, हम अरेस्ट कर लेंगे लेकिन हम मारेंगे नहीं। और हमने कहा अरेस्ट करने के बाद हम बातचीत करके उनको छुड़ा लाएंगे। हमारी इस बात के बाद उन्होंने एक बार 125 मछुआरों को अरेस्ट किया और 6 दिन के अंदर अंदर हम उनको छुड़ा करके लाए थे। और हमारे एक साथी जो पाकिस्तान की जेल में जा जा करके एक एक घर के मछुआरे को देख कर आते थे, उस दिन मैंने भाई मुरलीधर राव से कहा था कि अब इतने मछुआरे छूट करके आए हैं, आप उनका अभिनंदन का एक समारोह करिए जिसने घर घर जा करके एक एक दरवाज़ा खटखटा करके उनका पता लगाया था और जेलों में जा करके उनसे मिल के आए थे। कितनी कठिन जिंदगी जी रहे हैं, कितनी जटिलताओं में जिंदगी जी रहे हैं ये, लेकिन शासन की निगाह उन तक जानी चाहिए थी जो नहीं गई। पर भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय में विश्वास करती है। अंत्योदय का मतलब है आखिरी आदमी का उदय, और जब हम उस आखिरी आदमी की तरफ देखते हैं तो मछुआरे हमें सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। इसलिए मुझे खुशी है और मैं नितिन जी का पुनः अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इस उपेक्षित वर्ग को अलग से आँख में रखकर उन्होंने ये काम भाई प्रकाश मालगवी और मुरलीधर राव जी को सौंपा और उसका साकार स्वरूप जो परिश्रम इन्होंने किया है, जो मेहनत इन्होंने की है, उसका एक साकार स्वरूप आज इस नीति पत्र के रूप में हमें मिल रहा है। लेकिन धरती पर वो साकार स्वरूप उतरे उसके लिए एनडीए की सरकार कटिबद्ध होकर के करेगी, ये विश्वास आपको दिलाते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।